इसके बाद हम आते हैं सिस्टम अप्रोच के बाद कॉन्टिनजेंसी या सिचुएशनल अप्रोच। कॉन्टिनजेंसी या सिचुएशनल अप्रोच बहुत सिंपल भाषा में मैं बताऊं, हर चीज़ कॉन्टिनजेंट। कॉन्टिनजेंट वर्ड समझते हो आप? मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, कॉन्टिनजेंट वर्ड मतलब हर चीज़ जो है वो डिपेंडेंट है। हर चीज़ क्या है? डिपेंडेंट। जैसे कौन सा प्रोडक्ट अब लोग कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए डिपेंड करता है लोग कौन सा मांग रहे हैं। कौन सा मशीन यूज़ करना चाहिए डिपेंड करता है जो सबसे ज़्यादा आउटपुट दे। कौन से कैसे लोग बुलाने चाहिए डिपेंड करता है आपको कैसे काम कराना है। मतलब हर चीज़ डिपेंडेंट बोल दो या इसको सिचुएशनल बोल दो कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया कंटिजेंसी अप्रोच। बहुत सिंपल है ये, ठीक है? देखो समझने में, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कंटिजेंसी अप्रोच कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स। पहला है एनवायरनमेंट, फिर है मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स, और फिर है कॉन्टिजेंट रिलेशन बिटवीन देम। यानी कि एनवायरनमेंट और फिर जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो, और फिर वो दोनों जो एनवायरनमेंट है और मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं कैसे कंटिजेंट रिलेशन रखते हैं, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। देखो इसके फीचर्स क्या दे रखे हैं, सिचुएशनल, वही कि हर चीज़ सिचुएशन पे डिपेंड करती है, ठीक है? एप्लीकेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एनी टेक्निक इज़ कॉन्टिजेंट या डिपेंडेंट, वही बात आ गई, ऑन दी कंडीशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन, कि भाई हर चीज़ सिचुएशन पर डिपेंड करेगी। मैच या फिट अप्रोच, यानी कि देर शुड बी मैच या फिट बिटवीन दी सिचुएशनल वेरिएबल्स एंड मैनेजमेंट वेरिएबल्स। ये क्या है? देखो एक यहाँ नीचे आओ, इफ़ एंड देन ये ग्रिड बना रखा है, इन्वायरमेंट एज वेरिएबल्स, मैनेजमेंट वेरिएबल्स। यानी कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं सिचुएशनल वेरिएबल्स, सिचुएशनल वेरिएबल्स यानी जो इन्वायरमेंट में चीज़ें डिपेंड करती है, एंड मैनेजमेंट वेरिएबल्स, इफ़ दिस देन दिस, यानी कि अगर ऐसा कुछ हुआ एनवायरमेंट में तो मैनेजमेंट ये करे, देन मैनेजमेंट। यानी इफ़ जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एनवायरमेंट में क्या हुआ, जेल पेन्स डिमांड डिक्रीज हो गई, तो मैनेजमेंट ने जेल पेन्स प्रोडक्शन भी कम कर दी। अब इसको समझो, इफ़ जेल पेन्स डिमांड डिक्रीज इन एनवायरमेंट, इफ़ जेल पेन्स डिमांड डिक्रीज इन एनवायरमेंट, देन मैनेजमेंट विल मेक श्योर दैट जेल पेन्स प्रोडक्शन ऑल्सो डिक्रीज। ऐसे समझना, ठीक है? तो ये आपका कंटिजेंसी अप्रोच ऐसे होता है, मैच या फिट, यानी कि इन दोनों को मैच या फिट करो कि क्या चीज़ मैच हो रही है, क्या चीज़ फिट हो रही है। अगर जेल पेन्स की डिमांड कम है तो मैच करने के लिए प्रोडक्शन भी कम कर दो, समझ रहे हो? एनवायरनमेंट में कुछ हो रहा है तो आप उसको प्रोडक्शन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी उस हिसाब से मैच करो, फिट करो। नेक्स्ट देखो क्या है, तो ये जो कंटिजेंसी अप्रोच है, एज इफ़ एंड देन अप्रोच, इसको बोलेंगे इफ़ एंड देन अप्रोच। इफ़ यानी कि एनवायरमेंट और सिचुएशनल वेरिएबल्स विच आर इंडिपेंडेंट, एंड देन रिप्रेजेंट्स मैनेजमेंट वेरिएबल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट। इफ़ वाले जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अगेन इफ़ वाली चीज़, यानी ये तो हो ही गई, देन मतलब देन, अगर ये तो ये, तो देन वाले जो हैं ये डिपेंडेंट हैं, और जो इफ़ वाले हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। ये तो बहुत कॉमन सी बात है ना, देन देन का मतलब ही क्या है कि अगर ये है तो ये करना है। तो जो मैनेजमेंट वाले हैं वो तो ये है ना, देन वाले, कि अगर ऐसा है तो करना है, तो यानी ये वाले डिपेंडेंट है, मैनेजमेंट वाले डिपेंडेंट हैं किस पे, एनवायरनमेंट पे, ठीक है? तो ये आपका हो गया कंटिजेंसी एज इफ एंड देन अप्रोच। अब हम आप वापस ऊपर फीचर्स पे आते हैं, नीड टू कोप या अडैप्ट। अगेन जब हर चीज़ डिपेंडेंट है, आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना है तो अडैप्ट तो करना पड़ेगा। तो नीड टू कोप एंड अडैप्ट का मतलब मैनेजमेंट की सक्सेस डिपेंड ऑन एबिलिटी टू कोप विद द एनवायरनमेंट। जितने एनवायरनमेंट वाले वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं तो आप मैनेजमेंट वाले वेरिएबल्स भी उसी हिसाब से चेंज करो, यानी कि कोप करो, अडैप्ट करो। देन रिजेक्टेड यूनिवर्सैलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यानी कि कोई भी, अगेन यूनिवर्सल, जैसे बोलते थे ना कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं या जो भी हैं हर जगह अप्लाई होते हैं, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हर जगह सेम तरीके से अप्लाई हो जाएं, क्योंकि कंटिजेंट में क्या बोला मैंने, डिपेंड करता है। तो हर यूनिवर्सल नहीं है, डिपेंड करता है, प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स मैनेजमेंट के यूनिवर्सल नहीं है, डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है मतलब कॉन्टिजेंसी अप्रोच। नो बेस्ट वे, वही चीज़ कि किसी भी चीज़ को करने का बेस्ट वे कुछ नहीं होता कि आप बोल दो यही तरीका ऐसे, नहीं, हर चीज़ डिपेंड करती है, किसी जगह ये बेस्ट वे होएगा, किसी जगह ये बेस्ट वे होएगा, समझ रहे हो?
तो देर इज नो वन बेस्ट वे टू मैनेज, इट डिपेंड्स ऑन द पेक्युलरिटी ऑफ सिचुएशन. हर चीज यही बोल रही है, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड, डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन सिचुएशनल वेरिएबल, डिपेंड ऑन ये. ठीक है, एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, किस चीज का चॉइस करना है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन रखनी है, क्या बोलोगे आंसर? डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज. चॉइस ऑफ मोटिवेशनल टेक्निक, पॉजिटिव या नेगेटिव, डिपेंड ऑन नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल. आपको लीडर को वो करना है, स्टाइल, कौन सा लीडरशिप स्टाइल करना चाहिए, डेमोक्रेटिक करना चाहिए या ऑटोक्रेटिक करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्या बोलोगे? डिपेंड ऑन गिवन सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से, कि अगर काम की जल्दी है तो ऑटोक्रेटिक कर लो, काम की जल्दी नहीं है तो डेमोक्रेटिक कर लो, ऐसे. ठीक है, तो एग्जाम्पल, हर चीज़ डिपेंड ऑन दिस, डिपेंड ऑन दिस, डिपेंड ऑन दिस. ठीक है, आगे चलो. स्टेप्स, अब देखो कैसे करते हैं ये स्टेप्स कॉन्टिंजेंसी के लिए. स्टेप्स में आप लिखोगे, पहला, इन ऑर्डर टू ऑपरेशनलाइज द कॉन्टिंजेंसी अप्रोच, मैनेजर हैव टू टेक फोर स्टेप्स. फोर स्टेप्स, पहला तो जो एक्चुअल सिचुएशन है पहले उसको एनालाइज करो, सिचुएशनल वेरिएबल्स को एनालाइज करो. फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स अलग अलग लग सकते हैं, जो जो लग सकते हैं उनको स्टडी करो. फिर राइट चॉइस करो कि जो जो लग सकते थे उनमें से सिचुएशन के हिसाब से कौन सा लगेगा, और फिर उसको लगाओ, इम्प्लीमेंट फाइनल करो. यानी पहले जो सिचुएशन है उसको देखो, फिर उस सिचुएशन में क्या क्या कर सकते हो, कौन से प्रिंसिपल्स लगा सकते हो वो देखो, फिर कौन से प्रिंसिपल्स जो लगा सकते हो उनमें से जो बेस्ट लगेगा उनमें से एक चूज करो, और फिर उसे इम्प्लीमेंट करो. सिंपल. कॉन्ट्रीब्यूशन या प्रैक्टिकल यूटिलिटी, कि भैया जो ये एक तरह से इसके पॉजिटिव्स, कि हर चीज़ जैसे मैंने बोली डिपेंड करती है, डिपेंड करती है, तो ये इसके पॉजिटिव क्या है? देखो, ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड या प्रैग्मेटिक. क्योंकि अगेन क्या बोला मैंने, हर चीज़ डिपेंड करती है, मैंने कहीं पे भी रिजिड नहीं रखा चीज़ को कि ऐसे ही करो, नहीं, मैंने तो बोला हर चीज़ डिपेंड करती है. तो एक ओपन माइंडेड हो गया सारा काम, कि हमने बांध के नहीं रखा है चीज़ों को कि ऐसे ही करना है. देर इज़ नो बेस्ट वे, इट विल डिपेंड ऑन सिचुएशन. वाइड होराइजन, अगेन जब इतने सारे आपके पास तरीके हैं काम को करने के और आप बोल रहे हो कि हर चीज़ डिपेंड करती है, तो अगेन आपने बहुत ऑप्शंस ओपन हो गए आपके लिए, बहुत सारे ऑप्शंस कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. क्योंकि आप ओपन माइंडेड हो इसलिए होराइजन, आपका सोच का, देखने का नज़रिया, सब कुछ वाइड हो चुका है. देन इंटीग्रेट्स अदर अप्रोच, जो भी बाकी अप्रोचेस हमने अभी तक पढ़ी हैं उसका कुछ ना कुछ इससे वो लेना देना है, क्योंकि उन सबको इसने इंटीग्रेट कर दिया है. कैसे? पहले यूजुअली जो आपको बताया गया अभी तक वो क्या है कि प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, या ऐसे करो वैसे करो, इसने भी वही करे कि हाँ प्रिंसिपल्स हैं काम के हैं, बट अप्लाई कैसे करना है वो डिपेंड करता है. इसने ये नहीं बोला प्रिंसिपल अप्लाई ही मत करो, इसने बोले अप्लाई करो बट डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन करो. तो पहले वाले जो सारे अप्रोच थे उसको इसने निग्लेक्ट नहीं करा, बल्कि उसी को बोला है कि वो वही चीज़ रखो, बस डिपेंड ऑन सिचुएशन. ये ऐड लाइन ऐड कर दी, डिपेंड ऑन सिचुएशन. डायनामिक, अगेन हर चीज़ जो है आपने, जैसे मैंने बोला अडेप्ट करनी बहुत ज़रूरी है, तो अडेप्ट आप तभी कर पाओगे ना जब आप इतना ओपन माइंडेड रहोगे कि हाँ हर चीज़ डिपेंड करती है. तो अडेप्ट यानी डायनामिक एनवायरनमेंट में तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, जब आप चीज़ें अडेप्ट कर पाओगे, एंड वो तभी होगा जब आप ये वाली कॉन्टिंजेंसी अप्रोच फॉलो करोगे. नेक्स्ट है इक्लेक्टिक. इक्लेक्टिक समझ तो क्या है कि जो भी कोई भी चीज़ है वो बहुत जगह से बन के आई है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से आपने उठाई है. जैसे मैनेजमेंट का पूरा ये जो थॉट है, मैनेजमेंट क्या होती है, ये आपने बहुत थ्योरीज पढ़ी ना, बहुत सारा थ्योरीज क्यों पढ़ी, आप एक ही थ्योरी पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, ज़्यादा ब्रॉड माइंड ऑफ रखने के लिए, ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, पर्सपेक्टिव बढ़ाने के लिए ज़रूरी था कि आप ज़्यादा सोर्सेज करो. जैसे इवन आपको कोई पेपर की तैयारी करनी है, आप एक ही बुक से पढ़ते हो या हो सकता है चार पांच बुक से पढ़ो. क्यों? क्योंकि सोर्सेज जितने ज़्यादा होंगे हो सकता है उतनी नॉलेज ज़्यादा है. तो इसी तरीके से ये होता है इक्लेक्टिक बनना, कि बहुत सोर्सेज से आप कुछ चीज़ डिराइव कर रहे हो. तो जो कॉन्टिजेंसी अप्रोच है वो ज़्यादा इक्लेक्टिक है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें उसमें अपने अंदर समा रही है, क्योंकि इसने सारी अप्रोच अपने अंदर समा ली, बस उसमें ऐड कर दिया डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, है ना. तो इट रिकग्नाइजेज दैट, क्या लिखे, मैनेजमेंट हैज़ नॉट एडवांस्ड टू अ पॉइंट इन एट विच डेफिनेट प्रिस्क्रिप्शन फॉर बेस्ट वे टू मैनेज इज मेड अवेलेबल. अभी तक ऐसा कोई एक तरीका कोई नहीं बता पाया है कि ऐसा करना है, कोई डेफिनेट प्रिस्क्रिप्शन आज तक नहीं दे पाया मैनेजमेंट की.
हर कोई यही बोलता है कि अलग अलग बस पढ़ लो चीज़ें और अपने हिसाब से डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कर लो, तो वो क्या है, कॉन्टिजेंसी अप्रोच ही तो है। तो यानी कि कोई भी डेफिनेट प्रिस्क्रिप्शन ना दे के, बेस्ट वे को ना बता के ये बोल देना कि हर सिचुएशन में डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप यू नो प्रिंसिपल्स थियरीज जो भी है वो लगाओ, दैट इज़ एक्लेक्टिक। मैनेजमेंट एक एक्लेक्टिक डिसिप्लिन है, एक्लेक्टिक सब्जेक्ट है, बहुत थ्योरीज अलग अलग जगह से आके आप पढ़ते हो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसका क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म देखो हर चीज़ बोल दी डिपेंडेंट है तो कन्फ्यूजन आ गई भाई, हर चीज़ तो बोल दिया डिपेंडेंट है तो करें क्या, हर चीज़ मुझसे कोई भी आके पूछ रहा है कैसे करूँ, मैं तो बोलूँगा देख लो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कर लो, कन्फ्यूजन आई। यानी बाय स्ट्रेसिंग दैट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन इट एड्स टू द कन्फ्यूजन। सो मेनी आइडियाज़ विच आर ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू कॉम्प्रीहेंड। आपने बोल दिया कि ठीक है वाइड होराइजन हो गया, ओपन यू नो ज़्यादा वो हो गया, ओपन माइंडेड, लेकिन लेकिन इतने ज़्यादा ऑप्शंस कौन कॉम्प्रीहेंड कर सकता है, ज़्यादा ऑप्शंस कई बार ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। डज नॉट इनकॉर्पोरेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम थ्योरी, सिस्टम थ्योरी की कुछ चीज़ें इसने नहीं करी हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि क्या नहीं किया, बट ये समझ लो कि सिस्टम थ्योरी ने जैसे बोला ना कि सिस्टम है, सब सिस्टम है, कनेक्टेड है, वहाँ पे उसने प्रॉपर डिफाइन कर लिया इतने सारे टर्म्स जो हमने पढ़े थे, यहाँ पे लेकिन सब कुछ बोल दिया डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, तो सारा सिस्टम अप्रोच इसमें नहीं आया है। वेरी कॉम्प्लेक्स, सफर्स फ्रॉम पॉसिटी ऑफ लिटरेचर, बस वर्ड्स में आपने खेल लिया कि हर चीज़ डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, हर चीज़ डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, तो कॉम्प्लेक्स है। देन सजेस्ट अ रिएक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर कोपिंग विद एनवायरमेंटल चेंजेस, जबकि प्रो एक्टिव अप्रोच इज़ मोर इफेक्टिव फॉर मैनेजर्स। रिएक्टिव जो कॉन्टिजेंसी है वो ये बोलता है कि एनवायरनमेंट में कुछ हो रहा है, मतलब एनवायरनमेंट में कुछ हो गया तो आप ऐसा करो, दिस इज़ रिएक्टिव अप्रोच। अगर मैंने एनवायरनमेंट में पहले से ही कुछ हो गया और आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो, दिस इज़ रिएक्टिव अप्रोच। लेकिन जब एनवायरनमेंट में वो हो ही गया, आप पहले तैयार नहीं थे, मतलब बाद में तैयार हो रहे हो, तो आप लेट हो चुके हो। इसीलिए बोलते हैं प्रो एक्टिव अप्रोच ज़्यादा फायदेमंद होती है, कि आप पहले से ही बता करके रखो कि ये हो सकता है, मुझे पहले से ही तैयार रहना, रिएक्ट नहीं करना, पहले से ही तैयार रहना, समझ रहे हो फ़र्क। इट ऑल्सो सेड दैट देर इज़ नथिंग न्यू, इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देर इज़ नथिंग न्यू इन कॉन्टिजेंसी थ्योरी। इसमें आपने कुछ नया नहीं किया बता के कि डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, सीधी बात है ना कि इवन क्लासिकल थियोरिस्ट लाइक फ्योल कॉशनड मैनेजर्स टू यूज़ प्रिंसिपल्स इन द लाइट ऑफ चेंजिंग कंडीशंस। फ्योल ने भी ये बोला था कि सिचुएशन पे मैं यू नो फ्योल ने, अगर आपको याद हो मैंने पढ़ाया था ये, कि फ्योल की जो मैंने जब एक्सप्लेनेशन दी थी तो लास्ट लाइन उसमें ये थी कि फ्योल ने बोला है कि मैं सिर्फ प्रिंसिपल्स दे रहा हूँ, अब वो कैसे अप्लाई करने हैं वो आप देखोगे अपने हिसाब से। तो ये भी तो कंटिजेंसी ही था, तो आपने ये कंटिजेंसी में डिपेंड्स ऑन सिचुएशन बोल के कुछ नया नहीं किया, क्योंकि पहले भी लोग ये बोल चुके हैं कि डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आप करोगे। डज नॉट रिकग्नाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजमेंट कंसेप्शन प्रैक्टिसेस ऑन द एनवायरनमेंट। देखो हमने ये तो बता दिया, जैसे इफ़ और देन वाला जो मैंने बताया ना, जैसे यहाँ देखो इफ़ और देन में मैंने क्या बताया कि एनवायरनमेंट में अगर ऐसा कुछ हो तो मैनेजमेंट ये करे। इसने यू नो इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन मैनेजमेंट बताया, लेकिन इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजमेंट ऑन एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि कंपनी की मैनेजमेंट मान लो कोई डिसीजन लेती है, वो एनवायरनमेंट में चेंज ले आती है काफ़ी। कैसे मैं समझाऊँ, अगर आपको याद हो जियो का एक जो था, जियो ने एक कंपनी के मान लो मैनेजमेंट के आइडिया ने पूरा एनवायरनमेंट बदल दिया, तो यहाँ पे कंपनी को देख के एनवायरनमेंट बदला, ना कि एनवायरनमेंट को देख के कंपनी, तो ये भी फ़र्क होता है कई बार, ठीक है। तो ये चीज़ अलग समझने वाली थी कि कंटिजेंसी अप्रोच ने मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस ऑन द एनवायरनमेंट नहीं बताया। इसके बाद देखो क्या लिखा है, सम एक्सपर्ट्स कॉल कंटिजेंसी अप्रोच एज मियर कॉमन सेंस। यार ये तो कॉमन सेंस है ना कि हर चीज़ हम जो है उस सिचुएशन उसी के हिसाब से देखेंगे। हाउएवर कंटिजेंसी अप्रोच इज मच मोर देन कॉमन सेंस, इट रिक्वायर्स एबिलिटी टू करेक्टली डायग्नोज द सिचुएशन एंड द स्किल ऑफ चूजिंग द मैनेजमेंट स्टाइल दैट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन वुड बी। यानी कि सिचुएशन जो होगी उसके हिसाब से आपने जिन सिचुएशन को करेक्टली डायग्नोज द सिचुएशन एंड मैनेजिंग स्टाइल, मतलब भाई कि ठीक है कॉमन सेंस तो है बट इसमें भी एक कला है पूरी कि कैसे आप सिचुएशन को यू नो वो करके अपना एक प्रॉपर तरीका निकालते हो, इसमें भी एक पर्टिकुलर है, दिमाग है, ठीक है। देन कंटिजेंसी अप्रोच इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर सिस्टम अप्रोच। सिस्टम से बेटर क्यों है कंटिजेंसी, क्योंकि सिस्टम अप्रोच ओनली एग्जामिन रिलेशन बिटवीन सब सिस्टम्स।
सिर्फ सब सिस्टम्स का रिलेशन बताया, लेकिन कॉन्टिजेंसी ने ऑल्सो एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। मतलब मैंने बताया था ना, सब सिस्टम, फिर सिस्टम, फिर एनवायरनमेंट। जो सिस्टम था उसने सिर्फ सब सिस्टम और सिस्टम का रिलेशन बताया, कॉन्टिजेंसी ने सिस्टम और एनवायरनमेंट का भी रिलेशन बताया। ठीक है, कॉन्टिजेंसी अप्रोच अपीयर्स टू होल्ड कंसिडरेबल प्रॉमिस फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अगेन ये यू नो फ्यूचर के लिए मेन आज तक ये चल रही है कि कोई भी प्रिंसिपल को सिचुएशन के हिसाब से लगाना है, तो ये आज तक वैलिड है। इसके बाद आता है आपका डिफरेंस बिटवीन